लोग बोलते हैं सत्य बोलो, लेकिन मैं मानता हूं कि आप जो भी बोलो वही सत्य हो। इसी कोट के साथ हम आज अपने दिन की शुरुआत करते हैं। एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया मेरे फोन में। अब ये फोन का है, अगर आप कॉल करते हैं या इनकमिंग कॉल आती है तो जब हम फोन उठा के बात करते हैं तो स्पीकर पे तो इसकी आवाज़ आती है, लेकिन जब इसका स्पीकर बंद करते हैं तो आवाज़ बिल्कुल नहीं आती। मैंने काफ़ी ट्राई कर लिया, काफ़ी कोशिश कर लिया, और ये रात से हुआ है। तो सुबह जब मैं उठा, कल शाम तक ठीक चल रहा था, अभी नहीं चल रहा है। मैंने, मेरा एक दोस्त है यहाँ पे, उनका मोबाइल का शॉप है, उनको फ़ोन भी किया था। वो बोला कि भाई रिस्टार्ट कर दो या तो रिसेट मार दो, कोई प्रॉब्लम हो गई रहेगी। लेकिन रिसेट मारूंगा तो इसमें मेरा डाटा है, वो भी ख़राब हो जाएगा, तो मैं वो चाहता नहीं कि मेरा डाटा सब बर्बाद हो। तो इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ, देखता हूँ, बोला जो लेके आना पड़ेगा तो लेके जा रहा हूँ। ज़िंदगी में समस्याएं चलती रह रही हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो ये फ़ोन है वो ज़्यादा इसमें कोई ख़राबी ना आया हो जिसकी वजह से ज़्यादा पैसे लग जाए। रिसेट तो हो जाए तो बढ़िया होगा, लेकिन डाटा भी मेरा बच जाए। तो मैं ये चाहता हूँ कि फ़ोन कुछ ऐसा फंक्शन हो जिसे बंद हो गया हो, जिसकी वजह से वो हमें समझ में नहीं आ रहा हो। तो अगर वो, क्योंकि वो दुकान वाले हैं, उनको पता होता है, तो अगर ठीक हो जाएगा तो अच्छी बात है। मैं हो गया तैयार। वो डाल दिया मैंने वैसे बाल्टी में, पता है रणधीर, वो वाला आम कोई गरम नहीं किया, वो जो लंगड़ा आम लिए है ना, लंगड़ा कह रहे हो, तोता पूरी। काला वाला फोन पूछिए ना इनके पास, ब्लैक वाला जो मेरा वाला, वो एक और है तो वो वाला ले लेंगे। उनका फोन है क्या? मुझे एक पॉइंट करना है। आईफोन से नहीं, मतलब वो जो V21 का कितना है? 0.5 का लेगा, 0.5 लेगा, एप्पल का ज्यादा रहता है। भाई आ गया, फोन का सॉल्यूशन तो नहीं निकल पाया, मैकेनिक नहीं था जो रिपेयर करने वाला है, कह रहा है कि इसका कुछ पता नहीं, जो जहाँ पे माइक लगा होता है वो खराब हो गया है, क्या है, तो वो आके देखेगा तो बताएगा। तो एक लंबा खर्चा है, थोड़ा सा मूड खराब हो गया मेरा।
यह मेरा जिम खत्म, अभी जिम से निकल गया, जिम हो गया फिनिश। तो आज का एक और दिन मेरा भी हो गया रेगुलर हुआ, बाइक को पकड़ के लाया मैं। तो अभी शूज वगैरह खोलने की तैयारी कर रही है, ये हो गया। और मैं सॉक्स नहीं पहनता हूँ, पता नहीं मेरे को जिम के लिए तैयार होने के लिए सबसे लेजी आदमी, मतलब बहुत लोगों को देखा ट्रैक पैंट पहन के पूरी तैयारी के साथ जाते हैं लोग जिम में, शूज वगैरह पहनेंगे, सॉक्स पहनेंगे, बैंड भी लगाते हाथों में कई लोग। और मैं शुरू से ही मतलब जिम के लिए रनिंग के लिए फटाफट कोई भी चाहिए। मैं बीच में तो एक आपने देखा होगा बरसाती जो शूज होते हैं प्लास्टिक के, तो मैं रनिंग करने के लिए रखा था, बारिश में वही पहन के फटाक से दौड़ता था मैं, मतलब कोई शौक नहीं कोई कुछ नहीं, मतलब एक सेकंड में तैयार होना वैसा। तो मेरी आदत है शुरू से यही रही, मैं बना रहा हूँ। मैंने काफ़ी आम खा लिए थे तो इसलिए मेरे को ऐसा लग रहा आम से मेरे को प्रॉब्लम हो गया, और पेट में मतलब मेरे को सुबह से लग रहा है कि एकदम गर्म सा गोला लग रहा है, तो इसलिए मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं, यही चावल खाया अभी। तो यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए ब्लॉग में या वीडियो में। और आप अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिए, धन्यवाद।